हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप मज़े में होगे। तो आज हम मिले हैं एक न्यू चैप्टर में, स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके भाई, तो आज हमें इसके बारे में सीखना है। लीनियर किसको बोलेंगे? आपको पता है, हमने सीख लिया लीनियर पॉलिनोमियल हमारा आया था, बताया ना आपको। पॉलिनोमियल के 3 टाइप थे, डिपेंड ऑन डिग्री। अगर आपने मेरा सेकेंड चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि भाई लीनियर यानी क्या, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री 1 यानी पावर उसका 1 ही होगा। ओके, तो उसको हम लीनियर बोल देंगे। और 2 वेरिएबल, वेरिएबल यानी एबीसीडी में से कोई भी होना चाहिए, वो कितने होना चाहिए? 2। एक्स वाई एबीसीडी में से कोई भी आप ले सकते हो। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और अगर उसमें वेरिएबल 2 है, एक्स और वाई, तो उसको बोलेंगे 2 वेरिएबल में। सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया 3x+2। तो ये लीनियर तो है, क्योंकि उसका जो वेरिएबल है ना, उसकी डिग्री कुछ भी नहीं होगी तो 1 तो होगी ही। ओके, तो लीनियर तो है इसको, लेकिन इसको हम 2 वेरिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा है? सिर्फ x ही है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला हो गया है। अगर मैं यहाँ पर आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई 4x+3y, तो इसमें कितने वेरिएबल्स है? एक्स और वाई, और दोनों की डिग्री भी 1 ही है, पावर भी 1 ही है। तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल है, समझ में आ गया भाई? तो इसका मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा रहा हूँ कि भाई जनरल फॉर्मूला अगर कैसे होगा, तो जनरल इक्वेशन आपको लिखना हो तो उसका इक्वेशन है x+by+c=0। इसको आपको याद रखना है भाई, एक्स तो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको हम ए बोलते हैं, y के साथ कोएफिशिएंट होगा उसको b, और कांस्टेंट टर्म होगा आपका c। तो बस आपका इक्वेशन ऐसा फॉर्म में होगा, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं, जहां पर a और b कौन है भाई? वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए, वरना आपका टर्म ही निकल जाएगा। यहाँ पर b अगर 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई वाई, तो y वाला टर्म ही नहीं रहेगा, 2 वेरिएबल्स रहेंगे ही नहीं। ओके, तो इक्वेशन को याद रखना है। और ऐसे इक्वेशन आपको बनाने भी होंगे, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए है भाई, तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं बनाना है तो आपको दिए ही होंगे क्वेश्चन में, दो ऑप्शन है आपके पास। ओके, चलो देखते हैं 4.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, उसमें आपको इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, देख लीजिए। चलिए, तो आपके सामने है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि डबल है, ट्वाइस यानी डबल द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द पेन ऑफ कॉस्ट, यानी कि नोटबुक की प्राइस जो है वो पेन की कॉस्ट कितनी है? डबल है। सिंपल है भाई, पेन से नोटबुक महंगी आती है ना, तो उसका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मुझे 2 वेरिएबल तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, तो एज्यूम करने के लिए मैं क्या एज्यूम करूँगा भाई? एक्स और वाई, लेकिन किसके लिए? तो नोटबुक की प्राइस के लिए और पेन की प्राइस के लिए। सिंपल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे हम द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज, बिन नोटबुक की प्राइस हम एक्स रुपीज ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की प्राइस हम ले लेते हैं वाई रुपीज। ओके, दोनों की मैंने प्राइस एज्यूम कर ली। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा, तो इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना है? देख, एक साइड मैंने लिख ली है नोट की प्राइस और एक साइड लिख ली है पेन की प्राइस। अब ट्वाइस कौन है भाई? ज़्यादा किसकी प्राइस होगी? नोटबुक की प्राइस होगी। कितनी? ट्वाइस है ना, पेन से ट्वाइस है, तो मैं पेन की प्राइस ट्वाइस कर दूँ तो दोनों की कैसी हो जाएगी भाई? इक्वल हो जाएगी प्राइस। सपोज मैंने आपको यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया है 4, यहाँ पर दे दिया है आपको 2। चलो, तो दोनों को मुझे इक्वल करना हो तो ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैंने ऐसा बोला कि जो ये फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो मुझे मल्टीप्लाई जहाँ पर कम पड़ रहा है वहाँ करना पड़ेगा ना। सिंपल है। सपोज और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मुझे दोनों को इक्वल करना हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जहाँ पर कम है डिजिट वहाँ पर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, पेन की प्राइस कम है और इसकी ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो मैं 2 से कहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा? पेन की प्राइस से। ओके, अब मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो भाई एक्स और वाई दोनों साथ में होने चाहिए, तो 2y यहाँ पर प्लस में होगा, उसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँगा तो -2y हो जाएगा, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ये रहा।
एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म कोई है नहीं है, तो बस फिनिश कर देना है सब। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या करना है। चलिए आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन भाई, उसमें हमें ऐसा बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दिया है उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, और इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि आपके सभी टर्म पहले तो आपको लेफ्ट साइड ले जाना है, राइट साइड जीरो ही कर देना है, ओके कोई भी हो उसको आप लेफ्ट साइड ले जाए और राइट साइड कर दीजिए जीरो। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 9.3 और फाई का बार, सिर्फ फाई का बार है, तो जो है राइट साइड टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x plus 3y, भाई प्लस में है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो राइट साइड क्या बन जाएगा जीरो। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे जो भी वैल्यू चाहिए मुझे इजीली मिल जाएगी, मुझे चाहिए ए, चलो ए हमारा क्या हो जाएगा एक्स के साथ जो होगा वो टू, बी यानी वाई के साथ जो होगा वो थ्री, एंड सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म कितना है तो कि माइनस 9.3 और 5 का बार, बस इतना ही करना है सिर्फ सभी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पर तो सभी टर्म हमारे लेफ्ट साइड ही है तो डायरेक्ट इसका कंपैरिजन हम कर देंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो मुझे सभी टर्म मिल जाएगी, ए यानी क्या हो जाएगा भाई कोएफिशिएंट एक्स का कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा, b इज इक्वल टू वाई के साथ कौन होगा तो ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, डिवाइड में 5 है तो 1 अपॉन 5, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 1 अपॉन 5 करने का ना भूलिए, उसके बाद c तो माइनस 10, माइनस की साइन साथ में ही ले लेनी है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। देखते हैं थर्ड, चलो तो उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर वाला है, तो थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में पहले उसको हम अरेंजिंग करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y, 6 को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी कंपैरिजन हमें करनी है किसके साथ, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा ए बी सी, ए यानी कितना हो जाएगा भाई x का कोएफिशिएंट माइनस 2, b यानी y का कोएफिशिएंट 3 और c यानी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 6, बस इतना ही हमें यहाँ पर करना था। चलो उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला भी सम है आपके सामने, तो x भाई 3y राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो माइनस 3y, उसके बाद लास्ट टर्म नहीं है तो उसको हम जीरो कह देंगे, c वाला टर्म इज इक्वल टू में भी क्या हो जाएगा जीरो। इसको कंपैरिजन करना है हमें किसके साथ, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो मुझे मिल जाएगा आंसर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, b इज इक्वल टू y के साथ है माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 है ही नहीं तो हमने 0 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर फोर्थ सम और फोर्थ सम बाकी है, टोटल 8 है। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पर 5 नंबर वाला सम है, 2x लेफ्ट साइड ही है 5y राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड ले जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0 कर देंगे, इज इक्वल टू में भी क्या होगा कुछ नहीं होगा तो 0, बस अब इसकी कंपैरिजन कर दीजिए किसके साथ, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो मुझे मिल जाएगा ए बी सी, ए मिल जाएगा कितना है x के साथ 2, बी है y के साथ जो होगा वो 5 एंड सी हमारा हो गया है 0, सिंपली ओके okay, इस तरह से 6 नंबर वाला सम देख लीजिए, यहाँ पर 3x तो है, y वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ y नहीं ऐड करना है, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होगा 0, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कोएफिशिएंट 0 हो गया तो पूरा टर्म ही निकल जाएगा ओके okay? तो यहाँ पर और लास्ट सम है, लास्ट टर्म 2 इज इक्वल टू 0, अब इसकी कंपेरिजन आप कर सकते हैं किसके साथ, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो आपको आंसर भी मिल सकता है किसका, a का 3 बी का 0 एंड सी का 2 आंसर। चलो और दो सम ही बाकी है, फटाफट देख लेते हैं। चलो उसके बाद कितने भाई 7 वाला सम आ गए हैं, 7 वाले सम में पहले तो x वाला नहीं है तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, सिर्फ x नहीं ले सकते, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होगा 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया है, किसका फॉर्म है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है यहाँ पर, तो ए यानी कोएफिशिएंट 0, बी यानी वाई के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा और सी यानी माइनस 2, तीनों वैल्यू मिल गई है। अब लास्ट सम में थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्या करना है भाई, पहले तो 5 लेफ्ट साइड है सभी को लेफ्ट साइड ले जाना है, 2x राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड
ट्रांसफर मार देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स और यहाँ पर हो जाएगा जीरो। अब इसको अरेंज कर देते हैं, थोड़ा अरेंज करेंगे भाई तो पहला एक्स वाला आएगा, तो एक्स वाला कौन सा है माइनस टू एक्स, उसके बाद आना चाहिए वाई वाला टर्म, तो यहाँ पर ऐड कर देते, ऐड ही करना है वाई, लेकिन वाई के साथ तो भाई जीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो टर्म है ही नहीं, तो जीरो लगाना पड़ेगा और बाकी जो बचा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब आपका लीनियर फॉर्म बन गया है तो इसको आप कंपेरिजन कर सकते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू वाई के साथ जीरो एंड सी इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी भाई 4.1, तो हमारी फिनिश हो गई है, अभी हमें मिलना है 4.2 में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।